बिल्कुल, जिन्हें साड़ी पहनने में दिक्कत आती है ना, उनके लिए तो बेस्ट साड़ी है। वेलकम बैक टू माई चैनल शालिनी कलेक्शन। मैं हूँ शालिनी और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मीशो हॉल, जिसमें कि मैंने एक कुर्ता सेट परचेज किया है, कुछ टॉप्स हैं एंड एक साड़ी है, वो भी बिल्कुल रेडी टू वेयर टाइप साड़ी है। इन वन मिनट आप उस साड़ी को पहन सकते हैं, तो मुझे बहुत यूनिक लगा तो मैंने उसे भी परचेज कर लिया एंड मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये मीशो हॉल, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। जिन्हें मीशो के बारे में नहीं पता है उन्हें बता दूं कि मीशो इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप है, जिससे कि लाखों लोग आज के डेट में इससे रीसेलिंग करके पैसे अर्न कर रहे हैं। एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद के लिए इससे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, क्योंकि इस पर मिल जाता है बिल्कुल होलसेल रेट में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो यस गाइस, आप डेफिनेटली इसे ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको मीशो की जानकारी चाहिए तो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस, अगर इस हॉल को देखने के बाद आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है एंड आपके पास मीशो ऐप डाउनलोडेड नहीं है, तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, अगर आप उस लिंक के थ्रू मीशो ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा अप टू 30% का डिस्काउंट आपके फर्स्ट ऑर्डर पर, यानी कि अप टू 100 रुपीज तो आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर पर ऑफ मिलना ही मिलना है। सो इस ऑफर को जरूर से अवेल कीजिएगा एंड मीशो ऐप मेरे दिए गए लिंक से ही डाउनलोड कीजिएगा। और गाइज, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से उस रेड बटन को क्लिक कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, बिकॉज इट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर मी। चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट मैं करती हूँ कुछ टॉप से जो मैंने परचेज किए हैं। सो गाइज, पहला जो टॉप है वो है कुछ इस तरह का फ्लोरोसेंट कलर का, फ्लोरोसेंट येलो टॉप विथ बटरफ्लाई स्लीव्स, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था पहनने पर भी, बहुत अच्छा लुक आता है ना इन बटरफ्लाई स्लीव्स वाले टॉप्स के। एंड दिस इज लाइक वेस्ट तक का टॉप है, काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं है बट छोटा भी नहीं है, क्रॉप टॉप नहीं है, वेस्ट तक आएगा ये आपको। एंड हाई नेक है इसमें, जो मटेरियल है ये कॉटन ब्लेंड है एंड स्पैंडेक्स एंड पॉलिस्टर का मिक्स है, सो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। ऐसे इसका जो बस साइज है वो है 32 इंचेस, बट आई थिंक इजीली 42-44 इंचेस वालों को भी ये टॉप आ जाएगा, ये इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। एंड ये कपड़ा भी इतना अच्छा है ना, बहुत इजीली स्ट्रेच हो रहा है, बहुत कंफर्टेबल कपड़ा है, पहन के बहुत आराम लग रहा था मुझे। एंड सबसे अच्छी बात कि ये बहुत ही फ्लोरोसेंट कलर है ना, तो बहुत पॉप्ड अप लुक आएगा, आप कहीं पब डिस्क कहीं बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सुंदर लुक आ सकता है, पार्टी वेयर टॉप है ये। इसमें गाइस कलर्स अवेलेबल हैं, ये मुझे ग्रीनिश टाइप का दिखा था बट हाँ येलोइश ग्रीनिश टाइप का है ये। प्रोडक्ट कोड, सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी सब के प्रोडक्ट कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है इस हॉल में तो आपको मीशो ऐप पे जाना है, सर्च बार पे वो प्रोडक्ट कोड डालना है, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अदरवाइज आपको मैं पिक भी डाल देती हूँ, स्क्रीन पे पिक दिख जाएगी, आपको पिक का स्क्रीनशॉट लेकर अगर सर्च बार में डालेंगे तो भी आपको उस तरह के सिमिलर टॉप्स मिल जाएंगे। तो ये दो ऑप्शन आप ट्राई आउट कर सकते हैं मीशो पे एंड रियली नाइस टॉप, बैक भी सेम है, प्लेन है। गाइज, वो टॉप मुझे 472 का मिल गया, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे इतना गुड क्वालिटी टॉप मिल रहा है, आप डेफिनेटली उसे चेकअप कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो टॉप अगर आप बाहर कहीं चेकआउट करेंगे तो 1000 से नीचे का नहीं मिलेगा, इतना अच्छा उसका मटेरियल है, मटेरियल की मैं आपको लोगों को गारंटी दे रही हूँ, मटेरियल इतना अच्छा है। जो नेक्स्ट टॉप है गाइज वो है ये पोलका डॉट टाइप का लॉन्ग सा टॉप है, तो एंड ये भी हाई नेक है एंड इसका भी पॉप स्लीव टाइप का स्लीव है, स्लाइट सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चुन्नट दिया हुआ है एंड इसका रिस्ट बहुत अच्छा है, रिस्ट पे ना इसका इस तरह से है, ये देखिए ये स्ट्रेचेबल वाला, इसको क्या बोलते हैं, स्वोक को कुछ तो बोलते हैं, रग्ड समथिंग, तो वो किया हुआ है, बहुत स्ट्रेचेबल है एंड अच्छा लुक आ रहा था, ट्राई ऑन में तो आपको दिख ही जाएगा। बैक में इस तरह का क्लोजर है, ये यहाँ पे बटन दिया हुआ है तो इसे बस आपको लगाना है, एंड जो नेक है उस पर इस तरह की चुन्नट दी हुई है, तो अच्छा लुक आ रहा था। एंड पोलका डॉट तो लाइक बहुत सुंदर लगता है, यहाँ पे फ्रंट पे भी आप देख सकते हैं कि चुन्नट है, तो टॉप काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग सा टॉप है एंड 300 रुपीज़ में मिला है। क्रेप का कपड़ा है तो सॉफ्ट है, स्मूथ है बट सिंथेटिक ब्लेंड है, गर्मी लग सकती है। एंड यस गाइस, ये पूरा लाइक फिटिंग वाला टॉप नहीं है, लूज फिट है ये, तो कंफर्टेबल रहेगा पहनने पे।
कलर्स अवेलेबल है इसमें. बहुत अच्छा लगा मुझे ये टॉप. गंदा भी नहीं होगा जल्दी. दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड स्टाइल कैन. ये ब्रांडेड टॉप है. अच्छा है. साइज इसमें एक्सेल तक अवेलेबल है. मैंने जो परचेज किया है वो है मीडियम साइज. लास्ट वाले टॉप का भी साइज मैंने मीडियम ही लिया था. इनफैक्ट मैं सारे कपड़े मेरे मीडियम ही आते हैं. तो 307 में इतना अच्छा टॉप मिल जा रहा है तो इसे तो ले ही लेना चाहिए. मुझे तो बहुत पसंद आया. अगर आप लोगों को पसंद आया है, आप सोच रहे हैं कि आप लें नहीं लें, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया ट्राई करके कि बहुत अच्छा है. सोच रहे हैं अगर लेने का तो आप ले लें आराम से. नेक्स्ट गाइस, ये कुर्ता एंड पैंट का सेट मैंने परचेज किया था. मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैटेगरीज क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे एंड ये प्रोडक्ट्स मुझे लेट पहुँचे हैं, तो मैंने मिक्स वाला हॉल बना लिया. ये देखिए गाइस, ये उसका कुर्ता है. लार्ज साइज मैंने इसमें परचेज किया है क्योंकि साइज का उसमें मेंशन था, तो 38 साइज लार्ज में आ रहा था तो मैंने लार्ज साइज ऑर्डर किया. बट मुझे लगता है कि साइज का कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें. देख सकते हैं इस पे 2 लिखा हुआ है, तो आई डोंट नो विच साइज इज दिस. बट ये ऊपर का कुर्ता तो मुझे आ गया, बट जो इसका पैंट था वो मुझे बहुत टाइट हो रहा था, तो इसीलिए मैं ट्राई ऑन में भी आप देख सक रहे होंगे कि मैंने एक ब्लैक पैंट पहना हुआ है नीचे, बट इसके साथ जो पैंट है वो ब्लू कलर का है. आप देख सकते हैं गाइस, कुर्ता बहुत सुंदर है. जो मटेरियल है वो है जॉर्जेट एंड स्लीव्स भी फुल स्लीव्स दिया हुआ है. फ्लोरल प्रिंट है ब्लू के ऊपर पिंक का, तो बहुत सुंदर लग रहा था. एंड ऐसी पाइपिंग दी हुई है इसमें स्ट्रेट. एंड ये गाइस ना ऐसे जैसे यहाँ तक ब्लाउज टाइप का समझिए, अंदर लाइनिंग दिया हुआ है. एंड यहाँ से इस तरह का है, थोड़ा सा क्या बोले अनारकली टाइप का है, तो इसके नीचे यहाँ पर लाइनिंग नहीं है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट स्टार्ट हो जाता है. एंड ये पूरा फुल लेंथ जाएगा, फुल लेंथ है ये. ट्राय ऑन में आपको ठीक से पता चल जाएगा, यहाँ पे ऐसे दिखा दे रही हूँ. एंड पूरा नीचे तक ना मिडिल से जो कट है, मिड से यहाँ से ये पूरा नीचे तक कट है, तो बहुत सुंदर लुक आ रहा था. बैक भी गाइस सेम है इस तरह का, योग तक इसमें लाइनिंग दिया हुआ है एंड देन लाइनिंग नहीं है. एंड यही इस कुर्ता का स्टाइल है. कपड़ा अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे प्राइस के वर्थ इसका कपड़ा नहीं लगा. कपड़ा थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है सिंथेटिक ज़्यादा मिक्स हुआ हुआ है. जॉर्जेट प्योर जॉर्जेट तो नहीं है, इस प्राइस में प्योर जॉर्जेट नहीं मिलेगा. बट अदरवाइज भी ना ये कपड़ा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. लाइक प्राइस इसका 1078 है, उस हिसाब का क्वालिटी मुझे नहीं लगा इसका. बट हाँ, लुक इसका अच्छा आ रहा था, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि यस यू कैन गो फॉर इट. पैकेजिंग अच्छी थी, इस तरह के पैकेट में आया है ये. एंड इसके साथ जो पैंट मिला है गाइज, वो है ब्लू कलर का, इस तरह का प्लेन पैंट है ये. वो ड्यूपियन सिल्क टाइप का मटेरियल है एंड पूरा प्लेन सा पैंट है ब्लू. इस पे ऊपर में इलास्टिक दिया हुआ है कुछ इस तरह का, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल तो नहीं है, इससे ज़्यादा ये स्ट्रेच नहीं होगा. एंड साइज भी इस पर ठीक से मेंशन नहीं है, 2 नंबर लिखा हुआ है, तो आई डोंट नो विच साइज इज दिस. हो सकता है गलती से उन्होंने गलत साइज ही मुझे दे दिया है. लार्ज तो ये किसी एंगल से नहीं है, मीडियम ही होगा ये. एंड दिस इज अ स्ट्रेट कट पैंट, और बाकी इस पैंट में कोई खराबी नहीं है. बट यस गाइज, ये प्रोडक्ट अच्छा है, लुक भी अच्छा आया है, बट इसका जो प्राइस मैंने पे किया है उस प्राइस के वर्थ मुझे इसका मटीरियल नहीं लगा, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया. चलिए गाइज, अब हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं. एंड गाइज, नेक्स्ट जो है वो एक प्रोडक्ट है जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि वो है ये स्टिच्ड साड़ी. ऐसी साड़ी मैंने पहले कभी नहीं ली थी, ये फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह की साड़ी परचेज की है. गाइज, इस साड़ी में ना आपको प्लीट्स बनाने की ज़रूरत है, ना आंचल करने की ज़रूरत है. एंड इस साड़ी को आप लाइक 2 मिनट के अंदर पहन सकते हैं. ये देखिए, ये पूरा का पूरा बना हुआ है ये साड़ी. कैमरा थोड़ा सा पीछे कर रही हूँ सो दैट कि आपको मैं ठीक से ये दिखा पाऊँ. गाइज, दिस इज द साड़ी. ऐसे प्लीट्स ऑलरेडी बना हुआ है इसमें. इसका जो आंचल है ये भी पूरा का पूरा बना हुआ है. ये देखिए, ये रफल वाली साड़ी है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी, इसीलिए मैं आपको पूरा खड़े होके दिखा रही हूँ. ये देखिए गाइस, सीक्वन वर्क किया हुआ है, वेलवेट के ऊपर कपड़ा है एंड ये पूरा इसमें रफल्स दिए हुए हैं. पूरे साड़ी पे नीचे भी रफल्स हैं, जो प्लीट्स वाला एरिया है ना वहाँ पे भी देखिए पूरे पे रफल किया हुआ है. कलर्स इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो ब्लैक, रेड, ब्लड रेड, ब्लू, ग्रीन, आप कुछ भी देख सकते हैं. 1400 समथिंग इसका प्राइस है
एंड प्राइस के वर्थ लगी मुझे ये साड़ी। एंड गाइज ये देखिए, ये जो मटेरियल है प्योर लाइक्रा की साड़ी है, तो पूरा स्ट्रेचेबल है, तो इससे आपका जो शेप है ना साड़ी पहनने के बाद बहुत अच्छा आएगा। एंड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ये वाली साड़ी परचेज करते हैं तो गाइज आप वो शेप वेयर वाला जो पेटीकोट आता है ना फिश कट, आप वो वाला उसके साथ जरूर परचेज करें, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा, बिल्कुल अच्छा सा शेप आएगा। इस साड़ी के साथ आपको पूरा का पूरा स्टिच सिक्विन ब्लाउज मिल रहा है गाइज, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए गाइज, पूरा का पूरा स्टिच सिक्विन ब्लाउज विथ स्लीव्स एंड ऑल स्लीव्स भी लगा हुआ है, ये देखिए छोटा सा, एंड राउंड नेक है, एंड जो कपड़ा नीचे है वो है वेलवेट का, तो बहुत ही अच्छा सा ब्लाउज मिल जा रहा है। आजकल तो 1000 रुपीज लगता है अगर हम ब्लाउज स्टिच कराते हैं इस तरह का, एंड ये आपको पूरा साड़ी रफल वाली साड़ी भी मिल रही है इतने अच्छे मटेरियल की, एंड विथ दिस सिक्विन ब्लाउज, तो बहुत ही अच्छा मुझे प्राइस बिल्कुल वर्थ लगा इस प्रोडक्ट का, एंड बहुत अच्छा है ये डील, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगी साड़ी पहनने के बाद। मैंने आप लोगों को ट्राई ऑन में दिखाया है कि इसे किस तरह से पहनना है, हल्का फुल्का दिखा दिया है कि आप इस तरह से पहन सकते हैं, तो वो आप ज़रूर से चेकआउट कर लें। एंड गाइज, ट्राई ऑन में मैंने जीन्स के ऊपर ही इसे पहन लिया था, बट वो मैंने आप लोगों को बताया आप अगर शर्ट पेटीकोट के ऊपर पहने बहुत अच्छा लुक आएगा। ब्लाउज भी मैंने इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि ब्लाउज मुझे ये आ नहीं रहा है, हल्का सा लूज है तो इसीलिए, बट ब्लाउज के साथ भी ये बहुत सुंदर लगेगा। ये ना रेडी टू वेयर साड़ी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे, ये बहुत सालों से अवेलेबल था बट मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिए लिया, अभी तक मैंने नॉर्मली ही साड़ी लिया था, तो ये एक यूनिक चीज लगी। एंड ये प्रोडक्ट बिल्कुल वर्थ द प्राइस है, आप आंख बंद करके इसे परचेज कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर साड़ी है, ब्लाउज भी बहुत सुंदर है, एंड वाओ, जस्ट वाओ, और कुछ नहीं बोलना मुझे इसके बारे में, बाकी आप खुद समझ जाइए गाइस। एंड इतना इजी है इसे पहनना, लाइक 2 मिनट में आप रेडी हो सकते हैं इसके लिए, अदरवाइज साड़ी पहनने में तो आधा घंटा तो लग ही जाता है, मुझे तो लगता है प्लीट्स, स्पेशली वो सिल्क वाली साड़ी में ना प्लीट्स बनाते रहो, अरे यहाँ पे कुछ हो गया वहाँ पे कुछ हो गया, तो वो होता ही होता है। तो गाइज ये तो लाइक बिल्कुल जिन्हें साड़ी पहनने में दिक्कत आती है ना उनके लिए तो बेस्ट साड़ी है। आज के लिए बस इतना ही सा कलेक्शन था मेरा, आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और यूजफुल लगा होगा, अगर हाँ तो गाइज प्लीज इसे लाइक जरूर से कर दे एंड शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड गाइज डू कॉमेंट एंड लेट मी नो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मुझे तो ये साड़ी बेस्ट लग रही है इस पूरे हॉल में, सेकेंड नंबर पर वो टॉप था वो फ्लोरोसेंट कलर का, तो आप मुझे डेफिनेटली कॉमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा बेस्ट लगा। एंड गाइज टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ और आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू एंड गुड लक, बाय बाय।